नहीं दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एससी फर्स्ट ईयर का मेन एग्जाम का 2021-22 का बोटनी का सेकंड पेपर लाया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी पहले से कोशिश है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको जो भी भेजूँ अब उनको पढ़ूँ। और ऐसा है कि जो भी हालांकि इतना गारंटी मैं जो भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ इंपॉर्टेंट भेज रहा हूँ, आप उनको पढ़ो और मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो। तो जिसमें से खंडा है जो कि अतुल गुत्री प्रश्न है, और 4 नंबर का जो कि हर प्रश्न एक एक नंबर का है। आपको 4 प्रश्न में मतलब एक एक प्रयोग करोगे तो एक नंबर मिलेगा। जो कि पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के नाम लिखिए जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। सरल और संयुक्त पुष्करण पर अंतर लिखिए, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। कोशिका चक्र का क्या कहलाता है। तीसरा, टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले जनन अंगों के नाम। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको तैयारी करना है। और अगर आप तैयारी कर लोगे तो पक्का ही कि पास तो हो ही जाओगे, या पास क्या नंबर भी लाओगे। खंडवा ये भी है, 5-6 क्वेश्चन, इनसे इन क्वेश्चनों को पढ़ो और फिर देखो। और फिर जो भी ना बने तो आप कमेंट करो, और आपको मैं आंसर भी भेजूंगा अगर आप लोग चाहो। अगर ना बन रहे नहीं मिल रहे हैं तो मेरे पास है आंसर, मैं आपको भेज सकता हूँ। भैया कोई क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन भैया पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। और देखो, शैवाल और कवक में अंतर है। बहुत भैया बहुत सरल सरल मतलब क्वेश्चन है, आप उनको पढ़ो। मतलब उनको अगर जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तो बनेगा नहीं। तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप पढ़ोगे, पढ़ो फिर आगे बताओ। जो ना बने तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये खांडसा देगोत्री प्रश्न, जो कि साइनोबैक्टीरिया के विशेष लक्षण में आर्थिक महत्व की व्याख्या कीजिए। खाद्य एवं दवा उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्मजीवों में अनुप्रयोग का वर्णन करें। भूवैज्ञानिक समय सारणी का विस्तार विवरण लिखिए और उसके महत्व को इंगित कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और दोस्तों आपसे तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। या अगर आप चाहो, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मतलब कोई भी पढ़े तो आगे बढ़े। हमेशा से यही कोशिश है कि मैं जो भी क्वेश्चन भेजूँ तो इंपॉर्टेंट भेजूँ, ना कि ऐसे आलतू फालतू के क्वेश्चन भेज दूँ और पढ़े न पढ़े। मतलब ऐसा भेजो कि जो भी पढ़ो तो उसमें ये भी रहे कि यार जो भी पढ़ा यार जो बताया तो अच्छा बताया यार। अपन को आगे पढ़ना चाहिए और अच्छे, इसीलिए मतलब कि ये है कि मेरी प्रयास यही हमेशा से कि मैं जो भी क्वेश्चन भेजूँ तो आप लोगों को अच्छी से अच्छा मतलब पढ़ो और नंबर लाओ। तो गाइस जैसे भी हो तो क्वेश्चन में पढ़ो और लाइक करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद दोस्तों।